AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय भीम के साथ जय फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। इसको लेकर सभी विपक्षी हमलावर हो चुके हैं और खूब बवाल मचा रहे हैं। ओवैसी ने आखिर में तकबीर अल्लाह अकबर का नारा भी लगाया था। उनके जैसे फिलिस्तीन नारे को संसद की कार्रवाई से तो निकाल दिया गया, लेकिन मामला अब संगीन हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नारे की वजह से ओवैसी की सांसदी भी छीनी जा सकती है। बता दें कि ओवैसी ने जब शपथ के दौरान पुलिस तीन का नारा लगाया तो केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद करण लाजे ने इनका तुरंत विरोध किया। हालांकि इसके बाद पीठासीन अधिकारी राधा मोहन सिंह ने ओवैसी के बयान को रिकॉर्ड से निकालने को कहा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और यह नारा आग की तरह हर जगह फैल चुका था। आपको बता दें कि संसद के नियम के अनुसार किसी भी सदन के सदस्य को किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा प्रदर्शित करने पर उनके लोकसभा या किसी भी सदन की सदस्यता से अयोग्य धराया जा सकता है। एक्सपर्ट के मुताबिक या तो उन्हें फिर शपथ लेने को कहा जा सकता है या फिर वह आयोग ठहराए जाएंगे। श्री असदुद्दीन ओवैसी, नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आईन पर, जो क़ानून के मुजब तय पाया है, एतक़ाद रखूँगा, उसका वफ़ादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ इसके फ़राइज़ और वफ़ादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर अल्लाहु अकबर। श्री कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी, thank you.